सेल मॉडल। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेल मॉडल। इसमें हमने कहा कि अगर हमने कोई पोटेंशियल लिया, फॉर एग्जांपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, तो उससे हम सभी मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन किया और हमने सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल माना जहाँ पे लास्ट अनपेयर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन उसको इन्वॉल्व किया। तो आज हमें क्या करना है, हमें वो जो सीक्वेंस है वो याद करनी है, किस सीक्वेंस से हम सेल्स को फिल कर सकते हैं। और क्या फिल करना है आपको, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों सेपरेटली फिल होते हैं। तो अब हम जो हमारी सीक्वेंस है उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो जो सीक्वेंस हमने याद की थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो कौन सी थी, हमने कहा था 1s 1p 1d 1f 1g 1h 1i और लास्टली 1g। उसके बाद हमने कहा कि आप दो रो को स्किप कर दो और यहाँ पे लिखो 2s 2p 2d इस तरह से, ठीक है। हम जो है 1j तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 1j तक अगर आप एक्सपेंड कर दोगे तो आपको 184 लास्ट मैजिक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो है फिर दो रो स्किप कर दी, हमें लिखा 3s 3p 3d एंड फिर आफ्टर स्किपिंग टू रोज हमें लिखा 4s। फिर हमने कहा कि आप इसे क्या करो, इन्हें एक्सपेंड करो। तो हमने कहा था कि इनमें जो j की वैल्यू है वो आप सुपर सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा रिवीजन कराऊं, अगर हम s s सेल ले लें तो उसके लिए हमने कहा l की वैल्यू 0 है और सिंगल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन s की वैल्यू हाफ है, तो j की वैल्यू आपकी आएगी हाफ। तो इस यहां पे अब जब आपने इतना फिल कर दिया, अब आप इन्हें एक्सपेंड करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 1s half और इसमें कितने न्यूक्लियन फिल कर सकते हो, 2j plus 1, तो यहाँ पे जाएगा 2, तो ये वैल्यू है 2j plus 1 की और जो j है उससे आप लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जो फर्स्ट रो है उसे एक्सपेंड कर दिया। अब सेकंड रो जब एक्सपेंड किया आपने तो आपके पास आएगा 1p 3/2 और इसमें आपने किया 4 1। तो अगर आप p के लिए बात करें तो p के लिए l की वैल्यू थी 1, s की वैल्यू हाफ फॉर सिंगल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, तो j की वैल्यू आ गई थी 3/2 एंड हाफ। तो यहाँ पे एक आप जो और हमने ये भी कहा था कि इसमें जो हायर जे है उसे आप पहले फिल करोगे, इसीलिए पहले हमने 3/2 लिखा है और बाद में हम लिखेंगे हाफ। यहाँ पे कितने फिल करेंगे, 2j+1, यहाँ पे जे की वैल्यू हाफ है तो 2 हो जाएगा। थर्ड रो को आपने एक्सपेंड किया 1d 5/2, थर्ड रो के लिए आप कह सकते हो डी सबसे डी सेल के लिए एल की वैल्यू 2, एस की वैल्यू हाफ, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 5/2 और 3/2। तो यहाँ पे आपने किया 1d 5/2, इसमें 6 फिल कर सकते हो 2j+1। और हम 2j+1 क्यों फिल कर रहे हैं, ये जो है वैल्यूज ये है mj की वैल्यूज, नंबर ऑफ mj वैल्यूज, और mj वैल्यूज होती है माइनस j टू प्लस j, तो वो 2j+1 आती है। क्योंकि तो हमने कहा कि ये फर्मी पार्टिकल है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन ऑफ द क्वांटम नंबर्स शुड बी डिफरेंट, और इन दिस केस जो डिफरेंट होगा वो होगा mj की वैल्यूज। तो यहाँ पे 1d 5/2 में 6 आपने फिल कर दिया, जहाँ पे mj की वैल्यूज, अगर आप इन 6 को फिल करोगे, अगर आप इन 6 को फिल करोगे, लेट्स से 6 प्रोटॉन को फिल कर रहे हो, तो हमारे पास j की वैल्यू 5/2 है सभी के लिए, लेकिन mj की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 5/2 टू माइनस 5/2 विद डिफरेंस ऑफ 1। तो ये आपकी mj की वैल्यूज आ गई। तो जितनी mj की वैल्यू आएंगी उतने ही आपके न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हैं आप। तो 1d 5/2 में 6 हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम सीक्वेंस को याद करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे j की वैल्यूज लिख रहे हैं और उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हैं वो लिख रहे हैं। तो आपने 1d 5/2 किया, फिर 1d के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक वैल्यू और है, वो है 3/2, उसके सामने क्या है 2s, तो 2s s के लिए हाफ है j की वैल्यू, तो ये आ जाएगा ये। तो हमने अभी तक थर्ड रो एक्सपेंड कर दी, अब फोर्थ रो होगी 1f 7/2, तो फोर्थ रो के लिए आप लिख सकते हो f, तो f के लिए l की वैल्यू 3, s की वैल्यू हाफ, तो j की वैल्यू आ जाएगी 7/2 एंड 5/2, तो 7/2 में आप 8 फिल कर सकते हो। उसके बाद 1f 5/2, इसमें आपने 6 फिल किया। उसके बाद 2p, p के लिए j की वैल्यू 3/2 और हाफ होगी, फिर 2p हाफ। उसके बाद नेक्स्ट रो आप एक्सपेंड करोगे 1g वाली, तो यहाँ पे आएगा 1g, g के लिए जो वैल्यू आएगी j की उसी तरह से आप निकाल लेना, तो g की वैल्यू आएगी 9/2, यानी कि आपका जो रो है वो एक ज्यादा से स्टार्ट हो रही है। सबसे शुरू में स्टार्ट हुई थी हाफ, हाफ से रो स्टार्ट हुई, हाफ पे एंड हो गई,
सेकंड रो स्टार्ट हुई 3/2 से हाफ पैंट हो गई, थर्ड रो स्टार्ट हुई 5/2 से हाफ पैंट हुई, तो इसी तरह से करस्पॉन्डिंग रोज जो है आपकी एक ज्यादा से स्टार्ट हो रही है, तो 5/2 फिर 7/2 फिर 9/2 फिर 11/2 इस तरह से आप रो को एक्सपेंड कर सकते हो। तो 1g 9/2 फिर 1g 9/2 में कितने कर सकते हो 10, फिर 1g 7/2 8, उसके बाद 2d 5/2 6, फिर 2d 3/2 4। फिर डी के बाद क्या है एस, तो यहाँ पे आएगा 3s 1/2 2। सिमिलरली आप एच वाली लाइन को एक्सपेंड करो, 1h 11/2 12, 1h 9/2 10, फिर 2f 7/2 8, 2f 5/2 6, फिर 3p 3/2 4 एंड 3p 1/2। उसके बाद आप आई वाली को एक्सपेंड करो, 1i 13/2 14, 1i 11/2 12, 2g 9/2 10, 2g 7/2 8, 3d 5/2 6, 3d 3/2 4, फिर 4s 1/2 2, एंड लास्टली 1j 15/2 16। ठीक है, तो आपने यहां तक किया, अब हमें सीक्वेंस याद करनी है। ठीक है, तो आप इसे एक बार लिख लो और यहां पे एनालाइज करो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब जो सीक्वेंस है वो हमें याद कर लिया, अभी ये सीक्वेंस नहीं हुई है, इसमें अभी कुछ चेंजेस होंगे। फिलहाल हमने ये याद किया कि हमें जो है 1s 1p 1d इस तरह से हमें कितने न्यूक्लियोन्स फिल करने हैं और हर एक सब सेल में कितने न्यूक्लियोन्स आप फिल कर सकते हो करस्पॉन्डिंग टू SPDF GHIJ एटसेट्रा। तो अब इसी को हम कॉपी कर लें, सेकंड स्लाइड में लिख लेते हैं, इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए आप। अब देखो सीक्वेंस कैसे याद करनी है। अब यहां फिर से आप पेयर बनाओगे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड रो, थर्ड एंड फोर्थ रो, फिफ्थ सिक्स्थ इस तरह से। ठीक है, तो जो फर्स्ट टू रो है उन्हें आपको लिखना है सीक्वेंस में, फर्स्ट टू रो इन सीक्वेंस, सेकंड टू रो इन अल्टरनेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टू रो अगेन इन सीक्वेंस, और जो ये वाली रो है यानी कि कौन सी सेवेंथ रो, उसको आपको याद करना है, उसके लिए कोई रूल नहीं है सीक्वेंस या अल्टरनेट का। ठीक है, तो अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे, जब आपने इतना कर लिया तो अब आपको सीक्वेंस याद करनी है। तो जो आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट टू रो, इसे सीक्वेंस में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो आपने फिल किया, देखो मैं इसमें नीचे लिख रहा हूं 1s 1/2, या एक काम करते हैं, नीचे हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, है ना। हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट टू रो को आप लिखोगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो हमें लिखा 1s 1/2, और एक चीज और है, इसको याद करने का कोई और मेथड नहीं है, आपको याद हो जाएगा जब हम बार बार इसे करेंगे, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड कर सकते हो। ठीक है, 5 सेकंड कह रहा हूँ मैं, 5 मिनट नहीं कर रहा, तो 5 सेकंड आप कर सकते हो, फिलहाल इसे फोकस करो। ठीक है, तो 1s 1/2, तो फर्स्ट टू आपको सीक्वेंस में लिखनी है उसके, तो मैंने लिख दिया 1s 1/2 1p 3/2 एंड 1p 1/2, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट टू रो इन सीक्वेंस। ठीक है, तो आपने अब तक कितने न्यूक्लियोन फिल कर लिए, यहाँ पे आपने 2 फिल कर लिया, ये मैजिक नंबर, उसके बाद यहां तक आपने 8 फिल कर दिया, तो आपको नेक्स्ट मैजिक नंबर मिल गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टू रो फिल करनी है, नेक्स्ट टू रो है अल्टरनेट। तो जब आप अल्टरनेट करोगे तो स्टार्ट तो करोगे आप 1d 5/2 से ही, लेकिन इसके बाद अल्टरनेट करोगे, यानी कि पहले डी फिर एस और फिर से डी, तो आपको नई रो स्टार्ट करनी है हमेशा फर्स्ट सबसेल से, यानी कि 1d 5/2 से, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ रो अल्टरनेट है, तो इसको आपने 6 लिखा, अभी तक कितने फिल कर दिए 14, उसके बाद डी के बाद आएगा एस, क्योंकि हमने कहा थर्ड रो इज अल्टरनेट, 2 16 फिल कर दिए, उसके बाद फिर से आएगा डी 1d 3/2, ये हो गया 4। तो आपने ये अल्टरनेट किया, पहले डी फिर एस फिर डी, ये आपकी थर्ड रो हो गई, और यहां तक आपने कितना फिल कर दिया 20, तो इट इज योर मैजिक नंबर 20। तो आप कह सकते हो कि थर्ड रो तक आपने
आपने 20 मैजिक नंबर फिल कर दिया। अब आप फोर्थ रो को एक्सपेंड करोगे, फोर्थ रो में भी अल्टरनेट करना है। देखो जो आपकी थर्ड रो है वो है अल्टरनेट, ठीक है। तो थर्ड रो में आपने दोनों डी एक साथ ही लिखे हैं, पहले डी फिर एस फिर डी, ठीक है। तो थर्ड रो में अल्टरनेट हुआ है, पहले डी है, डी है, डी के बाद एस है और फिर डी है। तो ये अल्टरनेट हो गया डी एस डी, ये हो गया अल्टरनेट थर्ड रो। अब हम फोर्थ रो पे आ रहे हैं, फोर्थ रो भी आपको अल्टरनेट करना है। तो फोर्थ रो में आप लिखोगे पहले 1F7/2, 1F7/2। इसमें जब आपने फिल किया तो आपका मैजिक नंबर नेक्स्ट हो गया 28, क्योंकि 20 में अगर आपने 8 ऐड कर दिया 28, तो ये मैजिक नंबर 28 आ गया। इसका मतलब जब आप 1F7/2 को फिल करते हो तो सामने 28 आता है, 28, ठीक है। तो आपकी जो रो है फोर्थ रो, वो कहां से स्टार्ट हो रही है आप बता सकते हो? स्टार्ट हो रही है 21 से, स्टार्ट फ्रॉम 21। जब आपने 8 फिल कर दिया तब 28 आया है, पर फोर्थ रो स्टार्ट 21 से हो रही है। यानी कि आगे से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको 21 या उससे ज्यादा फिल करने हैं तो 20 तो आप फोर्थ रो से स्टार्ट कर सकते हो, आपको शुरू से ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने एफ किया, अब एफ के बाद क्या आएगा? अल्टरनेट एफ के बाद आएगा आपके पास पी। फोर्थ रो अल्टरनेट है, पहले एफ फिर पी फिर से एफ और फिर से पी। तो आपने किया 1F7/2, उसके बाद आएगा 2P3/2, 2P3/2 में हो गया 4, फिर आएगा 1F5/2। तो ये अल्टरनेट हो गया, पहले एफ फिर पी फिर एफ एंड देन अगेन पी, 2P½। तो यहां तक आपने कितने फिल कर दिया? 28+4=32+6+38+2=40। तो यहां तक आपने 40 फिल कर दिया, 40 इज नॉट मैजिक नंबर, ठीक है। तो ये आपकी होगी फोर्थ रो अल्टरनेट। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो फिफ्थ और सिक्स्थ रो है वो सीक्वेंस में है, तो वो फिर तो अब आगे आगे जो है बहुत आसान हो जाएगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रो इन सीक्वेंस। तो अब हम यहां पे लिख रहे हैं फिफ्थ रो, यहां से स्टार्ट करते हैं फिफ्थ रो को। तो फिफ्थ रो आपकी स्टार्ट हो रही है 1G9/2, 1G9/2, ये हो गया आपकी फिफ्थ रो। इसे जब आपने 10 फिल किया तो आपका मैजिक नंबर 50 आ गया, मैजिक नंबर 50। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी 50 वाली रो है, जो 50 है वो आपका फिफ्थ रो पे, फिफ्थ रो में आपके 50 आ रहा है। तो फिफ्थ रो स्टार्ट कहां से हो रही है? फिफ्थ रो स्टार्ट हो रही है 41 से, स्टार्ट फ्रॉम 41 से स्टार्ट हो रही है। और जब आपने 10 फिल कर दिया तो 50 आ रहा है, जब आपने फुल्ली फिल किया तो 50 आ रहा है। तो आपको ये याद रहेगा कि अगर आपको 41 या उससे ज्यादा फिल करना है तो आप जो है फिफ्थ रो से स्टार्ट कर सकते हो, आपको शुरू से गिनने की जरूरत नहीं है, तो उससे टाइम बचेगा, ठीक है। तो 50 हो गया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अब हमें करना है 1G7/2। तो ये जो फिफ्थ रो है सीक्वेंस में, तो इसके आगे आप लिख सकते हो 1G7/2, 1G7/2, 8, ठीक। इसके बाद आप जो है लिखोगे 2D5/2, 6, 2D3/2, 4, फिर है 3S½, 2। तो यहां तक कितने फिगर दिया आपने? 50 में ऐड किया आपने 58, 58+6, 64, 64+4, 68+2, 70। तो यहां तक आपने 70 फिल कर दिया, 70 मैजिक नंबर है नहीं। तो अब आपको करना है सिक्स रो, सिक्स रो कहां से स्टार्ट हो रही है? 1H11/2 से। आपने किया 1H11/2, 1H11/2 जब आपने किया तो यहां पे 12 फिल किया, तो 70 में जब आप 12 ऐड करोगे तो आपको आएगा 82, 82 क्या है? मैजिक नंबर है। तो आपकी जो सिक्स रो है उसको अगर उसमें अगर आपने फर्स्ट सबसेल फुल्ली फिल कर दिया तो 82 आ रहा है। तो ये रो स्टार्ट कहां से हो रही है? 71 से, स्टार्ट फ्रॉम 71। यानी कि 82 में जो आपने 82 फिल किया है, 12 फिल करने पे 82 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसमें 1 फिल करते हैं तो 71 आता है। तो ये वाली रो 71 से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको 71 या उससे ज्यादा फिल करना हो तो आप 6 रो से स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको शुरू से 71 गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 82। तो अब आप जो है सीक्वेंस में आप उसको लिख दो 1H11/2, इसके बाद है 1H9/2, फिर है 2F7/2, उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2F5/2, 3P3/2 एंड 3P½। तो ये आपकी सिक्स्थ रो हो गई। तो आपने कितने फिल कर लिए यहाँ तक? 82+10=92, 92+8=100, फिर आपने किया 100 यहाँ तक हो गया, 112 हो गया यहाँ तक। तो अब जो आप सेवन्थ रो स्टार्ट करोगे वो 113 से करोगे, सेवन्थ रो स्टार्ट फ्रॉम 113, स्टार्ट फ्रॉम 113, ठीक है। अब जो सेवन्थ रो है, मैंने कहा था सेवन्थ रो को आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो क्वेश्चन का चांस जो है ना के बराबर है कि आपको 113 या उससे ज्यादा फिल करना पड़े, लेकिन बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो उसमें सेवन्थ रो को आपको अब याद करना है, ठीक है। तो स्टार्ट आपने किया 1I13/2 से, 1I13/2, ये हो गया आपके पास 14।
तो जब आपने 112 में 14 ऐड कर दिया तो ये नया मैजिक नंबर आ गया 126। तो आप देख सकते हो कि आपकी हर एक रो में जब आप फर्स्ट सबसेल फिल करोगे तो एक मैजिक नंबर बनता है, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा कि वो रो कहां से स्टार्ट हो रही है। तो 126 में अगर आप 14 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आता है 112, उसमें एक ऐड कर दो तो 113 आ गया, तो 113 जो है उससे ये रो स्टार्ट हो रही है। अब मैं आपको इसे याद कराना है मुझे, ये रो ना तो अल्टरनेट है ना सीक्वेंस में, तो इसे कैसे याद करेंगे? तो 1 i 13/2 के बाद देखो, इसके बाद है, इसके बाद आपको करना है दो बार तो अल्टरनेट, एक तो ये और एक ये, दो बार तो अल्टरनेट करना है। तो 1 i 13/2 के बाद आएगा 2 g 9/2, ये हो गया 10, फिर आएगा 3 d 5/2, ये हो गया 6, ठीक है, दो बार अल्टरनेट हो गया। उसके बाद आपको करना है 1 i 11/2, यानी कि इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, यहां के बाद आपको वापस यहां पे जाना है, वापस यहां पे जाएगा 1 i 11/2, ठीक है। तो दो बार अल्टरनेट, उसके बाद वापस 1 h 11/2। अब आपके पास लास्ट 2 सबसेल बचे, एक 3 d 3/2 और एक 4 s 1/2। इसको याद करने के लिए आप कह सकते हो जो लास्ट है उसे तो कर दो सेकंड लास्ट, और जो सेकंड लास्ट है उसे कर दो लास्ट। तो ये हो जाएगा 4s आएगा पहले, फोर एस हाफ टू और 3 d 3/2 4। तो यहां ये आपकी होगी 7th row, ठीक है, 7th row यहां से यहां तक है। इसका सीक्वेंस आएगी आपके पास, आप ही यहाँ पे 1 i 11/2 के बाद। तो इसके बाद जो है 1 i 11/2 के बाद आएगा 2 g 7/2, ये रह गया था 2 g 7/2 8। और अब आपको करना है वही लास्ट वाला सेकंड लास्ट 4 s 1/2 एंड सेकंड लास्ट वाला लास्ट 3 d 3/2, ठीक है। तो ये रो आपने याद करी, जब आपने इन्हें फिल किया तो इन्हें ऐड करो, कहाँ तक आ जाएगा, 126 में 10 ऐड करो 136, 136 में 6 ऐड करो 42, फिर 12, 54, फिर 8, 62 और 6, 68, यानी 168 तक आना चाहिए, 168, ठीक है। तो आपकी, तो जब आप इसके बाद 1j फिल करोगे, जब इसके बाद 1j फिल करोगे तो 168 में 16 ऐड कर दोगे, इसके बाद आपके पास क्या बचा, 1j, ठीक है, जो नेक्स्ट रो है आपकी 1j 15/2। तो इसको जब आप 16 ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 168 प्लस 16, ये आ जाएगा 184। तो आपका नेक्स्ट मैजिक नंबर 184 यहां पे आ जाएगा, 184, ठीक है। इसमें कोई कह रहा है कि स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो जिनको नहीं दिख रहा है, हो सकता है उनका वो, उन्होंने कुछ कहीं पे क्लिक कर दिया है तो उन्हें जो है कुछ और दिखाई दे रहा होगा, तो वो वापस उस पे जाए तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप जो है कॉन्टेक्स्ट में आ गए होंगे तो आपको सब सभी की फोटो है वो दिख रहा होगा, वीडियो स्क्रीन इसलिए हट गया होगा, तो वापस जाए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जो है नेक्स्ट रो में फिर से समझाता हूँ आपको, और तो नेक्स्ट रो में एक सेकेंड, एक मिनट जरा रुक जाइए,
अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने ये किया, अभी मैं अभी आपको बताता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, ये लिखा, तो फर्स्ट टू रो सीक्वेंस में करना है, सेकंड टू रो अल्टरनेट करना है, नेक्स्ट टू रो फिर से सीक्वेंस में, और जो सेवंथ रो है उसे आपको याद करना है। फिर मैंने कहा कि आपकी जो थर्ड रो है वहां तक मैजिक नंबर 20 आएगा, और 20 के बाद 28, 50, 82, 126, 184, ये आपके मैजिक नंबर है। तो जब आपका 28 वाला जो थर्ड रो है, जब आप 1F7/2 को फुली फिल करोगे तो 28 आता है। तो ये वाली रो स्टार्ट कहां से होगी, 21 से, स्टार्ट फ्रॉम 21। 21 आपने कैसे निकाला, क्योंकि आपने 1F7/2 मतलब 8 फिल कर दिया तो 28 था, पर उसमें अगर जब आप 1 नहीं फिल करते तो 21 आता, तो 21 से स्टार्ट किया आपने ये। नेक्स्ट रो आपकी कहां से स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम, जब आपने 1G9/2 में 10 फिल कर दिया तो 50 आता है, तो इसमें अगर आप 1 ही फिल करते तो 41 आता, तो ये स्टार्ट होती 41 से। इसका मतलब इससे पिछली लाइन कहां पे एंड होती है, एंड एट 40। तो अगर 21 से 40 अगर आपको फिल करना है तो आप थर्ड रो को एक्सपेंड कर दोगे, पर ये ध्यान रखना है कि थर्ड रो आपकी, सॉरी फोर्थ रो, पर ये ध्यान रखना है कि फोर्थ रो है वो आपकी अल्टरनेट है। उसके बाद फिफ्थ रो आपने स्टार्ट करी है 41 से, और सिक्स रो कहां से स्टार्ट करोगे, सिक्स रो स्टार्ट करोगे स्टार्ट फ्रॉम, तो यहां पे आपने 1H11/2 में जब आपने 12 फिल किया तो 82 था। अगर आप इस 82 इसमें 12 में 12 हटा दो, सिर्फ 1 ही फिल करो तो आपका क्या आएगा, 71। तो ये स्टार्ट होती है 71 से। इसका मतलब इससे जो पिछली रो है वो कहां पे एंड हो रही है, 70 पे। तो अगर आपको 41 से 70 फिल करना है तो आप रो नंबर फिफ्थ एक्सपेक्ट करोगे, और फिफ्थ रो आपकी सीक्वेंस में है। सिक्स रो आपकी स्टार्ट हो रही है 71 से, सेवंथ रो कहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये से कैसे आप करेंगे, जब आपने 1I13/2 को फुली फिल किया, 14 फिल किया तो 126 आता है, तो इसमें 14 फिल करके 126 आया, आप 14 हटा दो, 126 में से 14 हटा दो तो बचेगा 112। अब एक फिल कर दो, इसका मतलब स्टार्ट हो रही है 113 से, क्योंकि आपको एक फिल करना था तो 113 से स्टार्ट हुई। इसका मतलब जो आपकी पिछली रो है सिक्स रो वो कहाँ पे एंड होती है, 112 में। तो अगर आपको 71 और 112 के बीच में फिल करना है तो आपको सिक्स रो का एक्सपेंड करना है। सेवंथ रो 113 से स्टार्ट हो रही है, एंड कहाँ पे होगी, तो इसे कैसे करेंगे, तो आपकी जो एट रो है उसमें अगर आपने 1J15/2 में 16 फिल किए तो 184 आता है, ठीक है, तो उसमें अगर आप केवल 1 फिल करते तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी, स्टार्ट फ्रॉम, तो 184 में सभी 16 हटा दो तो कितने आ गए, 168। अब इसमें एक ऐड कर दो क्योंकि आपको कम से कम एक फिल करना है, तो ये आ गया 169। तो ये स्टार्ट हो रही है 169 से। इसका मतलब इससे पिछली रो है वो एंड हो रही है 168 पे, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है, ये मैंने आपको करा दिया। अब जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, अब आप मुझसे ये मत पूछो कि कौन सी लाइन तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें याद करना इतना कठिन भी नहीं है। मैंने आपको याद कराया फर्स्ट टू रो सीक्वेंस में, नेक्स्ट टू अल्टरनेट, नेक्स्ट टू सीक्वेंस, सिर्फ सेवंथ रो आपको याद करनी थी। और सेवंथ रो में अब देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, मैंने आपको सेवंथ रो, अब देखो यहां पे देखो फर्स्ट टू रो सीक्वेंस में आपको मैजिक नंबर 8 तक मिल गया, थर्ड रो आपकी अल्टरनेट है आपको 20 मिल गया, उसके बाद जो आपकी फिफ्थ रो है वो फिर से आपकी अल्टरनेट है, वो 28 मैजिक नंबर आ रहा है। जो आपकी सिक्स रो है आप देख लो यहाँ पे अगली दो रो सीक्वेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है फर्स्ट टू रो सीक्वेंस, फिर नेक्स्ट टू अल्टरनेट, फिर फिफ्थ रो सीक्वेंस, सिक्स रो सीक्वेंस, और जो सेवंथ रो है लर्न दिस रो। तो कैसे आपने याद किया, पहले तो अल्टरनेट, आई के बाद जी, जी के बाद डी, फिर वापस आई, फिर ये, और फिर यहाँ पे लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, और लास्ट में 1J15/2, ठीक है। तो अगर ये याद कर लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस सीक्वेंस को। अब हम अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो हम कैसे फिल करेंगे, न्यूक्लियॉन्स को किस तरह से फिल करेंगे, हम उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि अगर लैम्डा इक्वल टू जीरो हो, अगर लैम्डा इक्वल टू जीरो हो तो आपका किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो आपको 1s मिला था, लेकिन जब आपने स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन कर दिया तो आपको मिल गया 1s हाफ, आपकी जे की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये तो है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर लेवल्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद ये है स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपने इसमें कितने फिल कर दिए न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पे आपने 2 फिल कर दिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल कितने फिल कर दिए, तो टोटल अभी तक 2 ही फिल किए हैं,
यहाँ पे अगर मैजिक नंबर है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो ये मैजिक नंबर है तो हमने लिख दिया टू, इट इज मैजिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम को इस तरह से बनाएंगे कि अगर मैजिक नंबर है तो वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो इस वाले न्यूक्लियन को निकालने के लिए यूनिट मोर एनर्जी। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप गैप दे दोगे, यू विल शो ए गैप। गैप इसलिए दिखाओगे कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, और अगर यहाँ पे जो फिल किया आपने न्यूट्रॉन या प्रोटॉन उसको एक्साइट करने के लिए यूनिट मोर एनर्जी, तो यहाँ पे आपने गैप दिखाया। अब अगर आपने गैप दिखा दिया तो अब हम नेक्स्ट लेवल अगर स्टार्ट करें तो नेक्स्ट लेवल है लैम्डा इक्वल टू वन। लैम्डा इक्वल टू वन के लिए आपके पास केवल वन पी था, जब आपने स्पिन ऑर्बिट इंडक्शन किया तो आपके पास आया वन पी थ्री बाई टू और वन पी हाफ। वन पी थ्री बाई टू में आपने फोर फिल किए, अभी तक टोटल कितने फिल कर दिए, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स मैजिक नंबर नहीं है। फिर उसके बाद आपने फिल किया वन पी हाफ, यहाँ पे आपने टू फिल किए तो सिक्स में टू एड कर दो, एट आपने फिल कर दिए। एट अगर मैजिक नंबर है तो यहाँ पे आपने डिनोट किया इट इज ए मैजिक नंबर। अगर मैजिक नंबर है तो ये वाले न्यूक्लियन ज्यादा स्टेबल होंगे, तो इनको फिल करने के लिए यूनिट मोर, इनको एक्साइट करने के लिए यूनिट मोर एनर्जी। यहाँ पे आपने फिर से गैप दिखाया, गैप इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे एक्साइट करने के लिए यूनिट मोर एनर्जी। उसके बाद है लैम्डा इक्वल टू टू, लैम्डा इक्वल टू। तो हमने कहा था लैम्डा इक्वल टू के लिए आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी वन डी और एक आएगी टू एस, दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू सेम है क्योंकि लैम्डा और एल और एन में रिलेशन था, वो आप लास्ट लेक्चर से देख लोगे। तो 1D, अब आपने क्या किया, अब आप जो है थर्ड रो पे आ गए हो, थर्ड रो अल्टरनेट है, तो यहाँ पे पहले आप करोगे 1D 5 by 2, 1D 5 by 2, 1D 5 by 2 में आपने कितने फिल किए 6, अभी तक कितने फिल कर दिए, तो 8 plus 6 14, 14 is not magic number। उसके बाद हमने कहा कि अल्टरनेट है तो 1D के बाद आएगा 2S, 2S half, इसमें आपने फिल किए 2, टोटल अभी तक फिल कर दिए 16, उसके बाद अल्टरनेट है तो फिर आएगा टी, 1D 3 by 2, यहाँ पे आपने किया 4, यहाँ पे मैजिक नंबर 20 आ रहा है। तो अगर 20 मैजिक नंबर है तो लास्ट में आप जो है मैजिक नंबर को अलग से लिख रहे हो आप, तो यहाँ पे आपने कह दिया 20 इज ए मैजिक नंबर। अगर मैजिक नंबर है तो यहाँ पे आप दिखाओगे अपने डायग्राम में गैप, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये थर्ड रो आपकी अल्टरनेट होगी। अब हमारी जो फोर्थ रो होगी वो भी अल्टरनेट है, उसके लिए हमने कहा था कि लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास क्या है 1s और 2p, ये अल्टरनेट होंगे। तो पहले तो आएगा 1s 7 by 2, यहाँ पे आपने फिल किया इसमें 8, 20 और 8 होता है 28, 28 इज ए मैजिक नंबर। अगर ये मैजिक नंबर है तो यहाँ पे गैप आएगा फिर से, ये होगा गैप। उसके बाद आपका नंबर आएगा 2p, ओके, हमने कहा था अल्टरनेट है ये फोर्थ रो अल्टरनेट, तो यहाँ पे आएगा 2p 3 by 2, तो ये आएगा 2p 3 by 2, और थोड़ा सा हमने गैप दिखाया है, फिर ये आएगा 4, यहाँ तक आपने फिल कर दिया 32, फिर आएगा अल्टरनेट है ये तो ये आ जाएगा 1f 5 by 2, इसमें 6 फिल किया, यहाँ तक आ गया 38, उसके बाद 2p हाफ, ये हो गया आपके पास 2, तो ये आ गया आपके पास 40, तो ये हो गया आपकी थर्ड रो, ठीक है, ये अल्टरनेट है। अब फोर्थ रो जो आएगी उसके लिए आपने लिखा लैम्डा इक्वल टू 4, इसके लिए आपके पास पॉसिबल वैल्यूज थी, एक तो 1g, तो 1g जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 1g 9 by 2, इसमें जब आपने 10 फिल कर दिया तो ये मैजिक नंबर 50 आता है, तो 50 इज मैजिक नंबर, इसलिए यहाँ पे आएगा गैप, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फिफ्थ रो है ये सीक्वेंस में है, फिफ्थ रो इज इन सीक्वेंस, तो ये हो गया 1g 9 by 2, फिर आएगा 1g 7 by 2, ये सीक्वेंस में है 8, यहाँ आ गया आपके पास 58, उसके बाद 2d, ये भी सीक्वेंस में होगा 2d 5 by 2 6 64, फिर 2d 3 by 2 4 68, फिर आएगा लास्ट में 3s और ये होगा 3s हाफ, इसमें 2 और यहाँ पे 70, और उसके बाद अब नेक्स्ट रो आएगी 1h वाली, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ 1h और यहाँ पे आएगा 1h 11 by 2, जिसमें आपने 12 फिल किया तो आपका मैजिक नंबर 82 आ जाता है, एंड 82 इज मैजिक नंबर, इसमें आप इसके बाद आप गैप दे दोगे गैप, तो इसके इसके आगे आप अपने आप फिल कर सकते हो, या बुक में भी आपको मिल जाएगा, नेट में मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली इस तरह से आपने फिल किए न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे जब आपने गैप दिखाया तो एक तरह से ये सेल्स की तरह एक्ट कर रहा है, दिस इज योर फर्स्ट सेल, ये सेल की तरह एक्ट कर रहा है, ऐसे मानिए कि ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, और फर्स्ट सेल के बाद आपने गैप दिखाया, तो फर्स्ट सेल में कितने न्यूक्लियॉन्स है आपके पास, 2 न्यूक्लियॉन्स, ये आपका सेकंड सेल है, एक तरह से सेकंड सेल, सेकंड सेल में कितने न्यूक्लियॉन है, एक तो 8 और एक 6, सॉरी 8 6 नहीं, ये तो टोटल है, टोटल है, इससे इधर इधर देखेंगे आप 4 and 2, आपने कितने फिल किए 4 and 2, तो यानी कि इसमें 6 फिल किए, 6 न्यूक्लियॉन्स इस वाले सेल में। फिर थर्ड सेल आपका ये है जिनके गैप्स के बीच में, थर्ड सेल, थर्ड सेल में आपने कितने फिल किए 12 न्यूक्लियॉन्स। तो एक तरह से सेल मॉडल हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सेल्स की तरह कर रहा है, आप यहाँ पे फिल करते जा रहे हो, जैसे मान लो आपने फिल किया फर्स्ट सेल में कुछ न्यूक्लियॉन्स, उसके बाद आपने गैप दे दिया, फिर आपने सेकंड सेल में फिल किया कुछ न्यूक्लियॉन्स,
फिर आपने गैप दे दिया, फिर आपने थर्ड सेल में फिल किया कुछ निकले और फिर गैप हो गया। तो इस तरह से हमारा सेल मॉडल एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशंस पे आते हैं कि सेल मॉडल से हम किस तरह से स्पिन पैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, फिलहाल हमने सीक्वेंस याद करी। अगर हमें सीक्वेंस याद नहीं हुई तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका डाइपोल मोमेंट निकालना हो, चाहे आपका पार्टिकल मोमेंट निकालना हो, सभी के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ स्पिन होता है। और अगर आप स्पिन किस पर डिपेंड करेगी, इस सीक्वेंस पे। और अगर आप सीक्वेंस याद नहीं कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अभी हमने फिलहाल सीक्वेंस याद करने की कोशिश करी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कैलकुलेशन या प्रिडिक्शन ऑफ सेल मॉडल है उसे करेंगे। तो अगर आपने ये कर लिया तो हम आगे चलें। ये वाला स्लाइड अगर लिख लियो तो ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। जिनकी भी वीडियो है वो वीडियो ऑफ कर दें, ठीक है। तो हो सकता है और कोई डिस्टर्बेंस हो रही है इसलिए वो लोग लिख रहे हैं वीडियो ऑफ करने के लिए। अब हम आगे चल रहे हैं। तो अब हमें कैलकुलेशन करनी है। ये जो सीक्वेंस है ये हम फिर से रिवाइज कर लेंगे जब हम हर बार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक तरह से प्रिडिक्शंस ऑफ सेल मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिन एंड पैरिटी, न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियर। और मैं आपको बता दूं कि सभी एग्जाम में सेल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स तो इंपॉर्टेंट है, उनमें भी लिक्विड रॉक मॉडल और सेल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो इस बार अभी जो दिसंबर में वो नवंबर में जो क्वेश्चन जो नेट पेपर हुआ था उसमें भी सेल मॉडल का क्वेश्चन आया था, बल्कि मॉडल से दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियर हम निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ सेल मॉडल। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि न्यूक्लियर स्पिन है क्या। तो ये जो हमने स्पिन वर्ड यूज किया स्पिन, एक्चुअली ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं है। हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हम टर्मिनोलॉजी स्पिन यूज करते हैं, बट इट इज यूज फॉर स्पिन इज यूज फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स में स्पिन का मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में जो स्पिन कह रहे हैं ये शुरू से यही टर्मिनोलॉजी यूज है। तो स्पिन का मतलब हम यहां निकाल रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम या एक तरह से जे की वैल्यू, ठीक है। और सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल ये कहता है कि जो भी जे की वैल्यू लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन के लिए ये वो पूरे न्यूक्लियस के लिए हो जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि न्यूक्लियर स्पिन क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन या एक तरह से टोटल एंगुलर मोमेंटम। और यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की, अभी हम एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में बात आएगी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम कोई न्यूक्लियर लेते हैं लेट्स से दिस, तो इसमें जो है आपके पास ए न्यूक्लियॉन्स है। अगर हम LS कपलिंग की बात करें जो आपने एटॉमिक पढ़ा होगा, तो अब यहां पे हम अगर जे की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड तो क्या है कि हम क्या करें कि हमारे न्यूक्लियस में ए न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। अगर मान लो ए इवन है तो आप क्या करोगे, आप पहले सभी की स्पिन निकालोगे। स्पिन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियन इज हाफ, स्पिन ऑफ एथ न्यूक्लियन विल बी हाफ। तो सभी की स्पिन हाफ होगी क्योंकि सभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हाफ होती है, तो चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन स्पिन हाफ होगी, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने स्पिन वर्ड यूज किया यहाँ पे ये स्पिन एंगुलमेंटम की बात हो रही है, लेकिन जो न्यूक्लियर स्पिन जो हम ऊपर लिख रहे हैं वो हमारा टोटल एंगुलमेंटम है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं किसी भी न्यूक्लियस में जिसमें मास नंबर इवन है उसके लिए स्पिन की वैल्यू या टोटल एंगुलमेंटम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहां से जब आप रिजल्टेंट एस निकालोगे तो क्या आएगा, अगर आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस इवन है तो इनका वेक्टर एडिशन हो जाएगा सबका, सभी स्पिन का, और एस की वैल्यू आएगी इंटीजर। अगर क्यों आएगी इंटीजर, क्योंकि आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस इवन है तो इनका इंटीजर आएगा। आपको समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास इवन हो हाफ हाफ तो आपके पास इंटीजर आ गया, लेकिन जैसे ही आपने थर्ड वाला ऐड किया यानी कि ये नंबर अगर ऑड हो गया तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटीजर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर इवन देन टोटल स्पिन विल बी इंटीजर, इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर ऑड देन टोटल स्पिन विल बी हाफ ऑड इंटीजर। तो यहां पे अगर ए इवन है तो आपके पास एस की वैल्यू आती है इंटीजर। जब आप एल की वैल्यू निकालोगे तो डिफरेंट एल्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी एल की वैल्यू है वो एल की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। तो जो आपके स्मॉल एल है L1, L2, L3 ये सभी इंटीजर होंगे, ये सभी इंटीजर होंगे। तो चाहे आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इवन हो चाहे ऑड हो, कैपिटल L की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी, ठीक है। S की वैल्यू डिपेंड करेगी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इवन है या ऑड है, लेकिन L की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी चाहे आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इवन हो चाहे ऑड हो। तो अगर यहां से आप J की वैल्यू निकालो जो कि वेक्टर एडिशन होता है L और S का, और यहां से J की वैल्यू आती है L-S टू L+S, तो जब आप यहां पे J की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों इंटीजर की वैल्यू है, S की भी इंटीजर, L की भी इंटीजर, तो आपका J की वैल्यू इंटीजर आएगी हमेशा। तो कंक्लूजन क्या हो गया, कंक्लूजन ये हो गया कि अगर आपके पास
कोई ऐसा न्यूक्लियर है जिसमें ए की वैल्यू इवन है, तो जो न्यूक्लियर स्पिन आएगी, जिसे हम जेक कह रहे हैं, तो जो न्यूक्लियर स्पिन आएगी, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में टोटल एंगल मोमेंटम स्पिन कहते हैं, वो हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया। अब हम यही बात करें ए ऑड के लिए, लेकिन इस इंटीजर में से भी क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 क्या वैल्यू आएगी, वो सेल मॉडल बताएगा। अब हम सेल मॉडल पाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑड हो तो जे की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें ए हमारा ऑड है, अगर हमारा ए ऑड है तो उससे रिजल्टेंट एस की वैल्यू, जो कि S1, S2, S3 का वेक्टर एडिशन होगा, तो आपका एस की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑड इंटीजर इफ योर नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर ऑड। एल की वैल्यू वेक्टर एडिशन होगा L1, L2 इनका, एल हमेशा इंटीजर आएगा क्योंकि आपके स्मॉल एल भी इंटीजर होंगे, ये आ जाएगा ऑलवेज इंटीजर। तो यहां से जब आप जे की वैल्यू निकालोगे, जो कि L-S to L+S होगा विद डिफरेंस ऑफ 1, तो ये आपका आ जाएगा हाफ और इंटीजर, क्योंकि इंटीजर और हाफ और इंटीजर का जब वेक्टर एडिशन करोगे तो हाफ और इंटीजर आता है। यहां पे हम वर्ड और क्यों यूज कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि जब आप हाफ की मल्टीप्लाई करोगे किसी इंटीजर में, पर कौन से इंटीजर में, जो कि ऑड हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो ये ऑड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑड वर्ड यूज किया, तो हाफ और इंटीजर। ठीक है, तो जे की वैल्यू आएगी हाफ और इंटीजर, हाफ 3/2, 5/2, पर इनमें भी कौन सी वैल्यू आएगी, वो निकलेगा आपके सेल मॉडल से। एक न्यूक्लियस के लिए एक ही वैल्यू आएगी, या तो हाफ या 3/2 या 5/2, ऐसा नहीं हो सकता कि एक न्यूक्लियस के लिए एक ज्यादा वैल्यू आए, वो आपका सेल मॉडल बताएगा। अभी हमने केवल ये देखा कि हाफ आ सकता है, हाफ और इंटीजर आ जाएगा या इंटीजर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल मॉडल से निकालना चाहिए, तो अब आपके पास तीन तरह के न्यूक्लियस हो सकते हैं, इवन इवन, इवन ऑड या ऑड ऑड। तो अब हम सेल मॉडल से निकालेंगे स्पिन पैरिटी फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई बाय सेल मॉडल। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे आसान वाला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। तो हमारा केस फर्स्ट ऐसा है कि जो हमारा न्यूक्लियाई है वो हमारा इवन इवन है, इवन जेड इवन एन। अगर दोनों इवन है तो इसका मतलब मास नंबर भी इवन होगा, अगर मास नंबर इवन है तो जो स्पिन आएगी वो इंटीजर आएगी, लेकिन ये स्पेशल केस हो गया। अगर दोनों इवन है तो मैंने कहा था कि एक भी ऑड नहीं है तो क्या होगा, तो आपको जो जे की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी जीरो, सभी एम जे की वैल्यू कैंसिल होकर जे को जीरो बना देगा। और एन पैरिटी क्या आएगी, पैरिटी आएगी इवन। तो इवन पैरिटी के लिए हम लिखते हैं, इवन पैरिटी के लिए हम लिख लेते हैं जेपी की वैल्यू जीरो प्लस, यानी कि इवन पैरिटी के लिए हम लिखते हैं प्लस, ऑड पैरिटी के लिए हम लिखते हैं माइनस। तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर हमारे पास इवन इवन निकलाई है तो ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी आपकी जीरो प्लस आएगी, यानी कि अगर आपके पास इवन इवन निकलाई है, लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है हीलियम 2-4 की, तो यहाँ पे हमने जब फिल किया कि तो आपने क्या किया, 1s½ में आपने दो प्रोटोन दो न्यूट्रॉन फिल कर दिए। तो अगर अगर इसमें ऑड नहीं है, अगर इसमें ऑड नहीं है तो क्या होगा, तो हमने कहा कि एमजे की वैल्यू इस तरह से आएंगी, आपके एमजे की वैल्यू इस तरह से आएंगी कि वो जो है कैंसिल हो जाएंगी, हाफ माइनस हाफ, क्योंकि जे की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो जे की वैल्यू हाफ के लिए एमजे की वैल्यू हाफ माइनस हाफ। तो यहाँ से जो एम जो जे की वैल्यू आती है, जो अब हम टोटल, अब ये जो जे है वो तो इस सेल के लिए था, लेकिन टोटल जे कितना आएगा पूरे न्यूक्लियस के लिए, तो यहाँ पे जो जे आएगा वो समेशन ऑफ एमजे हो जाएगा, जैसे आप फुल्ली फिल्ड एटॉमिक में करते हो, तो फुल्ली फिल्ड के लिए जो आपकी टर्म आती है 1s₀ आती है, ठीक है, एटॉमिक में। इसी तरह से यहाँ पे जब आप फुली फिल करोगे या पेयर बनाओगे, फुली फिल नहीं बल्कि पेयर, यहाँ पेयर की बात हो रही है, चाहे फुली फिल ना भी हो, तो जे एमजे की वैल्यू इस तरह से होंगी कि वो कैंसिल हो जाएंगी, तो समेशन एमजे आ जाएगा जीरो, तो जे की वैल्यू आपकी हमेशा जीरो आएगी, ठीक है, और पैरिटी हमेशा इवन आएगी। तो आगे से याद रखना है कि आपका इवन इवन न्यूक्लियाई हो। दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हो ऑक्सीजन 8-16, तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के करें आप कह सकते हो कि जेपी इज इक्वल टू जीरो प्लस। यहाँ पे पैरिटी, जो पैरिटी का टर्म है, जो पैरिटी का सिंबल है, वो पी भी यूज कर लेते हैं और कहीं कहीं पे पाई भी यूज कर लेते हैं, जे पाई, ये जो पाई है ये भी सिंबल ऑफ पैरिटी है, तो पाई की जगह भी आप पैरिटी से पाई लिख सकते हो, तो जीरो प्लस, प्लस का मतलब इवन पैरिटी, ठीक है। तो ऑक्सीजन 16 के लिए भी ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल में अगर एक भी आपका ऑड, एक भी अगर आपका अनपेयर्ड नहीं है, तो आपका जो पैरिटी होगी वो इवन होगी और आपका जो स्पिन होगा वो जीरो होगा, स्पिन का मतलब टोटल एंगल मोमेंटम। अब हम बात करेंगे केस नंबर सेकंड की। सो केस सेकंड कौन सा है, केस सेकंड ऐसा है कि जिसमें एक ऑड है और एक इवन है, इवन जेड ऑड एन या ऑड जेड इवन एन, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, तो फिर तो हम दोनों करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो मैंने एग्जांपल लिया लिथियम 3-7, तो यहां पे जेड तो आपके 3 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 है, तो जब आप फिल करोगे तो
तो 1s हाफ, 1s हाफ में आपने 2 फिल किए, 2 प्रोटॉन फिल कर दिए एंड सेपरेटली 2 न्यूट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद अगला है आपके पास 1p3/2, तो नेक्स्ट सबसेल हो गया 1p3/2। यहां पे आप कितने फिल करोगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो आपके पास कितने अवेलेबल है, तो आपके पास केवल 1 प्रोटॉन अवेलेबल है और न्यूट्रॉन आपके पास 2 है। तो ये जो न्यूट्रॉन है इनमें समेशन mj की वैल्यू इस तरह से आएगी कि j की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो आपके इवन है उसके लिए j नहीं मिलेगा, j किसके लिए मिलेगा, जो आपका ऑड है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं j ऑफ ऑड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विल बी j फॉर होल न्यूक्लियस। सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल ये कहता है कि जो भी आपका ऑड है उसका जो j होगा वही पूरे न्यूक्लियस का हो जाएगा। तो जब आपने यहां पे फिल किया 1s हाफ 2 1p3/2 1 और यहां फिल कर दिया 1s हाफ 2 1p3/2 2, तो जो आपका ऑड है, जो आपका ये ऑड है इसका जो j होगा, इसका j कितना है, इसका j है 3/2, जो j इसका होगा वही पूरे न्यूक्लियस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐसे करना है आपको कि जो भी ऑड होगा उसके लिए आप j निकाल लोगे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दी लिथियम की, यहां पे जो j ऑड का है वही पूरे न्यूक्लियस का हो जाएगा। अब पैरिटी कैसे निकालोगे, पैरिटी वैसे ही निकालोगे जो एटॉमिक में निकालते हो, -1 की पावर l, जहां पे l क्या है, l इज करस्पॉन्डिंग टू ऑड न्यूक्लियॉन। तो यहां पे ऑड आपने जो फिल किया वो किस में फिल किया है, 1p3/2 में, तो 1p3/2 यहां पे 1p3/2 में फिल किया, तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यहां पे p ऑर्बिटल है या p सबसेल है, तो यहां पे l की वैल्यू 1 होगी। तो इस केस में पैरिटी कितनी आ जाएगी, -1 raised to power 1, यानी कि -1 का मतलब ऑड पैरिटी। तो इसका आंसर हो गया jp इज इक्वल टू 3/2 माइनस, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपको जो ये सीक्वेंस है याद करनी है, इस सीक्वेंस के हिसाब से न्यूट्रॉन प्रोटॉन फिल करने हैं। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए केवल ऑड वाला फिल करो, क्योंकि इवन वाले से तो आंसर वैसे भी नहीं आना, इवन वाले से नहीं आएगा, तो केवल ऑड वाला एक्सपेंड करो और जो भी लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन का आंसर होगा वही पूरे न्यूक्लियस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं लेकिन हम बाद में करेंगे जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये हो गया केस सेकंड, अब हम बात करेंगे केस थर्ड की। केस थर्ड हमारा ऐसा है जिसमें दोनों ही ऑड है, ऑड न्यूट्रॉन ऑड प्रोटॉन। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब केस थर्ड है हमारे पास, जहां पे हमारे पास है और एक चीज मैंने और देख लो, आप यहाँ पे ये आपका 3/2 आया है, 3/2 आया है, तो ये क्या हो गया, हाफ ऑड इंटीजर हो गया। ये हाफ ऑड इंटीजर क्यों आया है, क्योंकि आपका जो ए था इस केस में वो ऑड था, और ए ऑड क्यों था, क्योंकि आपका केस था इवन जेड ऑड एन या ऑड जेड इवन है, तो अगर एक ऑड होगा दूसरा इवन होगा तो उसका एडिशन हमेशा ऑड होगा। अगर आपके पास ऑड मास नंबर है तो जे की वैल्यू हाफ ऑड इंटीजर ही आएगी। पैरिटी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है इवन या ऑड, डिपेंडिंग ऑन कि किस सब सेल में आपका ऑड न्यूक्लियॉन है, यानी एल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अब केस थर्ड है हमारे पास ऑड जेड ऑड एन, अगर दोनों ही ऑड है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, इवन, ऑड प्लस ऑड इज इवन, और अगर ऐसा है तो जे की वैल्यू हमें आएगी इंटीजर, जे की वैल्यू इंटीजर आएगी, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा था कि अगर आपके पास इवन न्यूक्लियाई है, इवन जेड इवन एन न्यूक्लियाई है, जिसके लिए ए की वैल्यू इवन थी, तो वहां पे तो जे की वैल्यू जीरो आ गई थी। लेकिन यहां पे जो दूसरा केस हो गया, ये थर्ड केस, जहां पे दोनों ही ऑड है, इसमें एक काम करिए, जिस जो रेडमी कैमरा जो जिन्होंने लिखा है रेडमी कैमरा, तो वो वीडियो ऑफ कर ले, ठीक है, वो हो सकता है पॉपअप हो रहा हो और किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं, क्योंकि क्या दिक्कत होती है कि आप लोग इस पे फोकस करके आपका कैमरा कहीं और रहता है तो वो दूसरों को डिस्टर्ब करता है। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो, तो हमने कहा इवन न्यूक्लियाई के लिए जे की वैल्यू जीरो थी, है ये भी इंटीजर, पर ये स्पेशल केस था। लेकिन अगर आपका दोनों ऑड है तो वो भी इवन है, वो भी इंटीजर होगा, तो यहाँ पे इस केस में जीरो ना होकर 1, 2, 3 इनमें से कुछ वैल्यू होगी, तो वो क्या होगी उस पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों को एक्सपेंड करना है, क्योंकि दोनों ही ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप दोनों को ही फिल करोगे, फिल बोथ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है, बाय सेल मॉडल एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ जेपी एलपी जेएन एंड एलएन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग आप जेपी और एलपी एल की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो आप जब दोनों फिल करोगे, आप यहाँ पे दोनों ही ऑड है तो दोनों को एक्सपेंड करोगे, लास्ट में आपका ऑड न्यूट्रॉन भी आएगा, ऑड प्रोटॉन भी आएगा। अब क्या करोगे, जो लास्ट वाला जो ऑड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू, उनके करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू निकालोगे। जब आपने चारों वैल्यू निकाल ली तो उसके बाद अब आपको लगाना है नॉर्डिम्स रूल। ये रूल क्या कहता है, अभी आपने जे की वैल्यू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग निकाली है, अब इसके लिए निकालिए लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनके लिए आपने जे को एल की वैल्यू निकाली, जब चारों की वैल्यू निकाल ली, तो नॉर्डिन रूल क्या कहता है, इफ जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन, अगर इन चारों की वैल्यू ऐड करो
और ये आती है अगर ऑड, पहली बात तो इन चारों को ऐड करके इंटीजर आएगा, इंटीजर आएगा क्यों, क्योंकि जे की वैल्यूज आपकी होती है हाफ इंटीजर, जे की वैल्यू होती है हाफ इंटीजर, क्योंकि जे जे आपके यहाँ पे क्या है हाफ, 3/2, 5/2, जे की वैल्यू हाफ इंटीजर है, एल की वैल्यू है इंटीजर, तो यहाँ पे दो इंटीजर है दो हाफ इंटीजर है, जब चारों को ऐड करोगे तो इंटीजर आएगा, तो इंटीजर अब जो इंटीजर आएगा वो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर चारों की वैल्यू ऑड आई तो आपका जो रिजल्टेंट जे आएगा पूरे न्यूक्लियस का वो क्या आएगा, जेपी प्लस जे एन, अगर चारों का एडिशन ऑड है तो टोटल जो जे की वैल्यू आएगी फॉर द होल न्यूक्लियस वो दोनों का एडिशन आएगा, नॉर्थिंग रूल ये कहता है, और अगर चारों का एडिशन आप करो और चारों का एडिशन करके इवन आया तो जे की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस इसीलिए हमने मॉड लगाया, आप जेपी माइनस जेएन कर लो या जेएन माइनस जेपी कर लो उसका मॉड करना है, पॉजिटिव के साथ आंसर लिखना है तो ये आएगा, ठीक है। अब बात करें पैरिटी की, तो पैरिटी क्या होगी, पैरिटी हो जाएगी दोनों पैरिटीज का प्रोडक्ट, माइनस वन की पावर एल एन इंटू माइनस वन की पावर एल पी, जो कि आप कह सकते हो माइनस वन की पावर एल एन प्लस एल पी, तो जो भी वैल्यू आएगी प्लस वन या माइनस वन वो ऑड या इवन, इससे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, ये नॉर्थिंग रूल हो गया ऑड ऑड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो आसान एग्जांपल है वो है ड्यूट्रॉन, ठीक है, तो मैं यहीं पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, ये है ड्यूट्रॉन 1H2, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो आपको पता है कि इसमें एक प्रोटोन है और एक न्यूट्रॉन है और दोनों ही आपके ऑड है, अगर दोनों ऑड है तो आप यहाँ पे जब फिल करोगे तो 1s½ में एक प्रोटोन फिल कर दिया, 1s½ में एक न्यूट्रॉन फिल कर दिया, ये ध्यान रखना एग्जाम में गलती से आप मास नंबर को फिल मत करना, आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेटली फिल करना है, गलती से मास नंबर को फिल नहीं करना है। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, दोनों ही ऑड है तो दोनों ही करस्पॉन्डिंग जे की और एल की वैल्यू निकाल दो, तो जो आपकी जे की वैल्यू आएगी करस्पॉन्डिंग टू प्रोटॉन्स वो कितनी आ गई हाफ, और एल की वैल्यू कितनी आ गई लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन के लिए एस के लिए, एस के लिए एल की वैल्यू जीरो, अब जे की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रॉन ये कितनी आ गई हाफ, ये हाफ आ गई, और एल की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रॉन कितनी आ गई एस के लिए जीरो, तो चारों की वैल्यू आपने जब निकाल दी, अब आप नॉर्थिंग रूल के लिए क्या करोगे, चारों को ऐड कर दोगे, जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन, सिंपल एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन नहीं करना है, सिंपल एडिशन, तो चारों को जब ऐड किया, स्केलर एडिशन किया, तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, और ये क्या आ गई ऑड, तो हमने क्या कहा कि अगर ऑड आता है तो जे की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का एडिशन यानी कि जेपी प्लस जेएन, तो ये वैल्यू आएगी हाफ प्लस हाफ यानी कि 1, और इंटीजर आना ही है क्योंकि हमने कहा कि अगर मास नंबर इवन हो तो इंटीजर आएगा। अब पैरिटी की बात करें तो पैरिटी आएगी माइनस वन की पावर एल एन प्लस एल पी, और दोनों ही एल जीरो हैं तो माइनस वन की पावर जीरो, ये हो गया प्लस वन, यानी कि आप कह सकते हो इवन पैरिटी, इवन पैरिटी। तो कंक्लूजन ये निकल गया कि जेपी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, आगे से आपको ये याद रखना है कि ड्यूट्रॉन की जो स्पिन पैरिटी होती है वो जेपी की होती है 1 प्लस, ठीक है। तो पैरिटी क्योंकि हम बाद में लास्ट में ड्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, तो ड्यूट्रॉन की एक प्रॉपर्टी ये होगी जो आपको आगे से याद रखनी है कि पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन इज इवन एंड स्पिन ऑफ ड्यूट्रॉन इज यानी जे की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पैरिटी कैसे निकाली, माइनस वन की पावर एल एन प्लस एल पी, इससे निकली है, एल एन एल पी की वैल्यू जीरो है तो माइनस वन की पावर जीरो प्लस वन होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो आपकी बुकलेट में है। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, ये तीन पॉसिबल केस हो गए ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी निकालने के लिए। तो अब आपको ये करना है पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 1 गेट 2002 आपकी बुकलेट में पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन है। तो अब आपको आंसर बताना है, न्यूक्लियर स्पिन्स ऑफ कार्बन 14 एंड मैग्नीशियम 25 न्यूक्लियस आर रेस्पेक्टिवली, बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास गेट 2021 का क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन आपने जो कहा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि नाइट्रोजन 713 पे क्वेश्चन आया, तो मैं ये भी कराता हूँ नाइट्रोजन 713 पे। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें करना है, एक सेकंड मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, पर इन्होंने जो पूछा उसमें यहाँ लिख देता हूँ, गेट 2021 जो पेपर मैंने नहीं देखा है, पर इनके हिसाब से नाइट्रोजन 713 का स्पिन पैरिटी पूछी गई थी, इस पर हम अभी करेंगे। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, सभी का आंसर ए है, तो ए सही है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, ये तो कार्बन है, ये क्या है, इवन 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 न्यूक्लियाई, तो इसके लिए तो आएगा आंसर जीरो, जीरो आएगा, इवन इवन है, स्पेशल केस है, इंटीजर आएगा क्योंकि ए इवन है, लेकिन इसका भी स्पेशल केस है इवन इवन, तो जीरो हो गया। और यहाँ पे जो Mg25 है यहाँ पे ए आपका ऑड है, अगर ए ऑड है तो इसका आंसर आएगा हाफ इंटीजर, तो ये हो गया आपका ए। इन्होंने एग्जैक्ट नहीं पूछा है, अगर एग्जैक्ट पूछा
होता तो हम सेल मॉडल से एक्सपेंड करके निकाल देते, ठीक है। अब आपको ये करना है गेट 2021, जो आपके हिसाब से क्वेश्चन ये आया था, जो मैंने अभी पेपर देखा नहीं है लेकिन जो आपने कहा मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोजन 713 ही पूछा गया, इसकी स्पिन पैरिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपके जो जेड है वो तो 7 है और जो आपका एन है वो 6 है, तो हमने क्या कहा कि इसमें जो ऑड है उसको एक्सपेंड कर दो, 7 वाले को एक्सपेंड करो। उसके लिए मैंने आपको याद कराया सीक्वेंस कैसे याद करेंगे, 1p 1s 1p 1d 2s, उसके बाद इन्हें एक्सपेंड कर दो। तो जब एक्सपेंड करोगे तो 1s को एक्सपेंड करोगे तो आएगा 1s हाफ, इसमें कितने फिल कर दिए 2, उसके बाद आएगा 1p 3/2, इसमें एक्सपेंड इसमें फिल कर दिया आपने 4, और ये दोनों जो लाइन है ये क्या है सीक्वेंस में, ठीक है। फिर आएगा 1p हाफ, अभी तक आपने 6 फिल कर दिए, तो 7th जो आपका आएगा फर्स्ट, देखिए बीटा डीके जो फर्स्ट फॉर्बिड है ना वो तो मैं बीटा डीके में कराऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, तो यहाँ पे आपने 6 फिल कर दिए, अब आपको थर्ड रो पे आना है। थर्ड रो स्टार्ट होती है 1d 5/2 से, 1d 5/2 में आप 6 फिल कर सकते हो, पर आपके पास अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल केवल 1 है, वो भी 7 फिल करना है आपको। आपने पहले 1s हाफ में 2 प्रोटॉन फिल किए, फिर 1p 3/2 में 4 प्रोटॉन फिल किए, फिर 1p हाफ में 2 प्रोटॉन फिल किए, और फिर 1d 5/2 में आपके पास सिर्फ एक ही अवेलेबल है, तो ये ऑड हो गया। तो इसका जो आंसर होगा, जो भी ऑड वाले न्यूक्लियॉन का होगा वही पूरे न्यूक्लियस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैंने गलत लिख दिया, ये 7th तो यहाँ पे आएगा ना 1p, एक सेकंड, 7th तो यहीं पे आ जाएगा 1p हाफ पे, ये है, ठीक है, 1p हाफ पे 7th आ जाएगा, ये एडिशन गलत हो गया, ये होगा, तो 7th तो यहीं पे आ जाएगा 1p हाफ पे, तो ये हो गया आपका ऑड, ठीक है। तो इसका आंसर हाफ आ जाएगा, तो जे की वैल्यू तो होगी हाफ, और पैरिटी कैसे निकालोगे, पैरिटी आ जाएगी -1 to the power L, और L जो है फॉर P इक्वल टू 1, तो -1 to the power 1 यानी कि -1, तो इसका आंसर जाएगा JP इक्वल टू हाफ माइनस, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एक्साइड स्टेट पूछा था, तो फर्स्ट एक्साइड स्टेट में बाद में आऊंगा, अभी मैं फर्स्ट एक्साइड स्टेट में निकाल रहा, फर्स्ट एक्साइड स्टेट फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको, फर्स्ट एक्साइड क्या होगा, इससे जो अगला है 1d 5/2, ये वाला न्यूक्लियन यहाँ पे आ जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, तो फर्स्ट एक्साइट स्टेट 1d 5/2 आ जाएगा, लेकिन ये फिलहाल मुझे पढ़ाना है, तो अभी फिलहाल हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने कहा कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट पूछा था, तो इसका आंसर जाएगा इससे अगले वाला, यानी 1d 5/2, तो ये तो क्या ग्राउंड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइट स्टेट के लिए आंसर है आपका 5/2+, ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइट स्टेट, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट वाला होता है, ये फर्स्ट फॉरबिडन आप क्यों कह रहे हो, फर्स्ट फॉरबिडन मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या था, बीटा डीके था या यस स्पिन का था, ठीक है, तो बीटा डीके का था तो फर्स्ट फॉरबिडन हम तभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन मेरे सामने जब आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना ही छोड़ते हैं, तो क्वेश्चन सामने आएगा तो हम देखेंगे बीटा डीके में क्या कह रहा है, ठीक है, तो अब ये हो गया, अब हम आगे चलते हैं, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ये वाला, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, द फोर पॉसिबल, और आपका ये है पेज नंबर 3 पे, फोर पॉसिबल configuration of neutrons in the ground state B9 nucleus according to cell model, तो आपको B9 के लिए निकालना है cell model के साथ, तो B9 में आप देख सकते हो यहाँ पे Z की value 4 है, N की value 5 है, अब आप 5 fill करोगे तो आएगा 1s half 2, 1p 3/2 3, 5 fill हो गए तो इसका आंसर आपका A आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे J की value क्या हो गई 3/2, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट है ये वाला, ये भी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3, यानी कि ये भी पेज नंबर, ये आपका कौन से पेज पे है, ये है मैं भी पेज नंबर बताता हूँ आपको, पेज नंबर 21, ठीक है, यहाँ पे क्या है कैल्शियम 41, तो कैल्शियम 41 का एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, पर कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है, तो कैल्शियम का 20 होता है, तो कैल्शियम 20 41, तो यहाँ पे आपका जेड की वैल्यू तो 20 है और एन की वैल्यू 21 है। अब आपसे पूछा है कि सिंगल पार्टिकल स्टेट्स ऑक्यूपाइड बाय लास्ट प्रोटॉन एंड लास्ट न्यूट्रॉन, लास्ट प्रोटॉन और लास्ट न्यूट्रॉन का आंसर चाहिए, तो आप फिल करोगे 1s 1p 1d 2s, ठीक है, और फिर 1f, तो जब आप 20 को फिल कर रहे हो जेड इक्वल टू 20 को, तो इसके लिए क्या जाएगा 1s हाफ 1p 3/2 1p हाफ, आपने फर्स्ट टू रो एक्सपेंड कर दी और ये आपकी सीक्वेंस में है, अभी तक 8 फिल कर दी, जो आपकी थर्ड रो आएगी वो अल्टरनेट है 1d 5/2 6, फिर 2s हाफ, ये अल्टरनेट हो गया, और फिर 1d 3/2 4, तो ये आपका
ये आपका क्या आ गया 20 आ गया, आपने 20 फिल कर दिया, तो आपका जो लास्ट प्रोटोन है, जो आपका 20 प्रोटोन है वो कहाँ पे आ रहा है, 1d 3/2, तो 3/2 आंसर आपके डी वाला और बी वाला इन दोनों में से आंसर आएगा। और जो 21st करना है आपको, जो n इक्वल टू 21 करना है, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए यही करोगे 20 तक, और फिर 21st वाला कहाँ पे आएगा, 21st वाला आएगा आपका 1f 7/2 में, इसमें अगर आप 1 फिल कर दोगे तो 21 आता है, तो 21st वाला आ रहा है 7/2 में, तो ये 7/2 वाला आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इससे आंसर इसका तो आ गया डी, डी हो गया। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का जो सेकंड पार्ट है, ग्राउंड स्टेट इसमें पैरिटी फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी फॉर कैल्शियम 41, तो वो किसके हिसाब से आएगा, जो ऑड वाला है, ऑड आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो इसका आंसर जो ऑड के हिसाब से आएगा, ऑड के हिसाब से जेपी की वैल्यू हो जाएगी 7/2 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि क्योंकि एल की वैल्यू एफ के लिए होती है एसपीडीएफ 0123, तो पैरिटी की वैल्यू हो जाएगी -1/3 यानी कि -1, तो आंसर हो गया 7/2 माइनस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, ये है गेट 2013, यहां पे आपसे क्या पूछा है, ये है आपका पेज नंबर 22, पेज 22, यहां पे आपसे पूछा है, आपसे कहा है कि जे की वैल्यू एल प्लस हाफ है किसी भी ऑड न्यूक्लियॉन के लिए, एस की वैल्यू हाफ होती है ऑड न्यूक्लियॉन के लिए, और मान लो एल की वैल्यू एल है, मतलब एल गिवन है किसी भी एसपीडीएफ के लिए, तो जे की वैल्यू क्या पॉसिबल है, एल प्लस हाफ या एल माइनस हाफ, तो आपको एल प्लस हाफ गिवन है कि आपको ये यूज करना है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस डॉट जे निकालना है, ठीक है, एक तरह से एस डॉट जे की वैल्यू निकाली, एक्सपेक्टेशन वैल्यू अब यहाँ पे हम एवरेज नहीं करें, सिंपल आपको एस डॉट जे की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्वेश्चन एक तरह से एटॉमिक का हो गया, आपको पता है कि जे की वैल्यू होती है एल प्लस एस, अगर आपको एस डॉट जे चाहिए तो जिनके बीच में भी डॉट प्रोडक्ट चाहिए उनको एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा आपका एल इक्वल टू जे माइनस एस, ये हो गया एल इक्वल टू जे माइनस एस, आपने जे और एस को एक साथ ले लिया ताकि आप डॉट प्रोडक्ट कर पाओ, तो अब यहां से आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 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 टू जे डॉट एस, ये हो गया, तो यहां से जे डॉट एस की वैल्यू हो जाएगी जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू। अब इनके जो आइगन वैल्यूज बोल दो आप, तो वो क्या आएंगी, जे जे प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन और साथ में एच कट स्क्वायर बाई टू, और मैंने कहा था आपसे कि ओमिट एच कट स्क्वायर इफ मैग्नीट्यूड इज आस्क्ड, तो यहाँ पे एच कट स्क्वायर नहीं है क्योंकि आपको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब आप क्या करो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट जे इक्वल टू, आप देखो अब आपको देखो आंसर क्या चाहिए, आपको आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ जे, इन टर्म्स ऑफ जे आंसर चाहिए, तो जे रहने दो, जे को जे रहने दो, और आप जो है क्या करोगे, फॉर ऑड न्यूक्लियॉन एस को तो लिख दोगे हाफ, जे को रखोगे जे, और एल को क्या लिख दोगे, एल को लिख दोगे जे माइनस हाफ, ठीक है, तो एल को जे माइनस हाफ रख दो, जे को जे रहने दो और एस को हाफ रख दो, और बताओ कितना आंसर आ रहा है, हाँ यस एस पॉजिटिव है ना, ये आ रहा आपसे कह रहे हो एस में पॉजिटिव है, जे जे प्लस वन प्लस आएगा ये प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन, तो यहाँ पे आप वैल्यू लग दो, आप बताओ कितना आंसर आ रहा है, तो जे डॉट एस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जे की जगह तो जे रहने दिया जे, तो ये जाएगा जे स्क्वायर प्लस जे, फिर आ जाएगा प्लस एस की जगह हाफ और एस प्लस वन, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3/2 माइनस, अब एल की जगह रखोगे एक तो जे माइनस हाफ और एक जे माइनस हाफ प्लस वन यानी कि जे प्लस हाफ बाई टू, इसे सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा जे स्क्वायर प्लस जे प्लस 3/4 माइनस, ये हो जाएगा जे स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/4 ये आएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो ये जे स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ रहा है आपका जे प्लस 1/2, तो बी आंसर आ गया, ठीक है, तो मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया, तो इसमें जो है आप देखोगे, बल्कि नेक्स्ट पेज देखो, आप देखो इस बार क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन गेट में आ रहे हैं, ये गेट 2016 का है, उसके अगला देखो ये गेट 2019 का है, इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है, गेट 2019 में देखो ये इवन निकल गया, ये कैल्शियम 4020, इसका आंसर क्या होगा, इस वाले स्लाइड पे बताओ आंसर क्या होगा, गेट 2019 का ए हो जाएगा 0+, तो कहने का मतलब ये है कि स्पिन पैरिटी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको क्या करना है, आपको केवल जो सीक्वेंस है उसे याद करना है, ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही करते हैं, आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। स्लाइड नंबर 12, स्लाइड नंबर 12 ये है। और कुछ मैं क्वेश्चन, कुछ मैं जो पेज नंबर क्वेश्चन में लिख दूंगा उसे आप अपने आप कर लेना करके आना नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो। आप जो क्वेश्चन बोलती है वो हमारी बुक में तो बहुत अलग पेज नंबर पे मिलता है, तो हमें तो बहुत आगे देखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है जो नया वाला जो बुकलेट है वो मेरे पास शायद है नहीं, तो उसमें क्या हुआ तो जो इन्होंने दिसंबर वाले ऐड किए तो उससे पेज नंबर चेंज हो गए। हाँ सर, बहुत पेज नंबर चेंज हो गए हैं, सारे क्वेश्चन देखने पड़े हैं। हाँ तो कोई नहीं, मैं एक काम करूंगा तो उसे बुकलेट मंगवा लूंगा तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, जो आप जैसे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फिल करते हो सर, वो कैसे किए आपने? जो सीक्वेंस मैंने याद कराई है उसी सीक्वेंस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एक ही तरीके से एक ही सीक्वेंस होते हैं। आपसे कहा था कि जितना भी जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू हम लिख रहे हैं जैसे 1s हाफ, जे की वैल्यू हाफ है तो उसमें कितने न्यूक्लियर होंगे, जितने एमजे की वैल्यू होंगी, तो जे इक्वल टू हाफ के लिए एमजे की वैल्यू होगी माइनस हाफ से प्लस हाफ, यानी कि दो वैल्यू हो गई। तो mj की वैल्यू कितनी होगी, 2j + 1, तो जो भी आपकी j की वैल्यू है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, 1 को ऐड कर दो। नहीं सर, मैंने ये पूछना है कि भाई प्रोटॉन जैसे आपने इसमें दो फिल किए हैं, ये कैसे पता चलेगा कि इसमें दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है? देखो अभी मैं एक सेकंड, मैं जो है किसी नई किसी ब्लैंक स्लेट पर बात करता हूं। जैसे कि मान लो ये है, मैंने आपको सीक्वेंस याद करा दिया कि 1s हाफ 1s हाफ 1s हो गया 1p, ठीक है, तो फिर मैंने कहा 1p 3/2 1p हाफ, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि आप न्यूट्रॉन को अलग फिल करोगे प्रोटॉन को अलग करोगे, तो अब 1s हाफ में कितने कितने फिल करोगे, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? तो जितना j की वैल्यू है, ये j की वैल्यू है, तो यहाँ पे 2j + 1 फिल करना है। तो आप j की मल्टीप्लाई कर लो तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी ना। तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा इसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है? ये आपको न्यूक्लियाई दे रखा होगा, जैसे अभी हमने कोई एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल लिथियम 3-7, तो यहाँ पे जो 3 है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 - 3 4। तो अब जब हमने कहा कि तो 3 फिल करना है, तो 3 फिल कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि पहले 1s वाले में फिल करोगे, पहले 1s वाले में 2 फिल करोगे, 2 प्रोटॉन फिल कर दी। ऐसे इस 4 में पहले न्यूट्रॉन 2 फिल होंगे 1s हाफ में, एक साथ चारों इसमें फिल नहीं होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं हाउबर प्रिंसिपल से, अगर आपके पास मान लो लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो आप 10 के 10 1s में थोड़ी फिल करते हो, आप कहते हो 1s2 2s2 2p6, तो आपने पहले इस 10 में से 2 इसमें किए, फिर 2 इसमें किए, फिर 6 इसमें किए। हम भी ऐसे कह रहे हैं कि इस 4 में से पहले 2 करो 1s हाफ में, क्योंकि इसमें 2 फिल कर सकते हो मैक्सिमम, उसके बाद 1p 3/2 में करना, क्योंकि सीक्वेंस 1p 3/2 की है, पर 1p 3/2 में आप 4 तो फिल कर सकते हो मैक्सिमम, 4 मैक्सिमम कर सकते हो। आपके पास अवेलेबल कितने हैं, आपके पास टोटल केवल 3 है, तो 2 आप कर चुके, तो अब यहाँ पे एक ही बचा करने के लिए, न्यूट्रॉन को करने के लिए यहाँ पे 2 गए, तो इस तरह से आपने फिल कर दिए। तो सर एक पेज 21 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया वो और बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले जो आपने बताया था, एक मिनट, ये है ना, ये तो इसमें मैंने कहा कि ये जो कार्बन 14 ये है, ये इवन इवन न्यूक्लियाई है, इवन जेड इवन है, इसमें जेड तो 6 है और एन आपके 8 है, तो उसके लिए मैंने कहा ये स्पेशल केस है, इसकी जेपी की वैल्यू आती है 0+, तो 0 के लिए ये 0 एक ही आंसर है 0। उसके बाद एम जी 25, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट नहीं पता पूछा कितनी कितनी एजे की वैल्यू, लेकिन हमें पता है यहाँ पे ए ऑड है, तो ए ऑड के लिए मैंने कहा कि आप पहले ए ऑड के लिए मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे जे की वैल्यू हाफ इंटीजर आएगी, कैसे, कि जितने भी यहाँ पे आपके न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें रिजल्टेंट एस निकाल लो, वो आएगा हाफ ऑड इंटीजर, क्योंकि टोटल ऑड है, तो जब और सभी न्यूक्लियॉन्स की स्पिन हाफ है, पहले की दूसरे की, उसके बाद मान लो 25 वाले यहाँ पे, 25 ठीक है, ए से देखेंगे इसमें कि भी ए इवन है या ओड है उसको पता चलेगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर ए ऑड है तो स्पिन एस हो गया हाफ ऑड इंटीजर, एल हमेशा इंटीजर होता है, तो जब इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा तो जे की वैल्यू एल माइनस एस टू एल प्लस एस क्या आएगी, ये आएगी हाफ ऑड इंटीजर। लेकिन एग्जैक्ट कितना आएगा वो सैलमन बताएगा सर। यहाँ हम जो जे लेते हैं ना, जे इज इक्वल टू 1/2, तो हम 1/2 क्यों लेते हैं, 3/2 क्यों लेते हैं पहले वाला, जैसे कि उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि एक मिनट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे, तो मैंने कहा कि अगर आपका एस ऑर्बिटल है या एस सबसेल है या सेल है, तो एस सेल में ऑड न्यूक्लियॉन फिल करता है, तो इसके लिए एल की वैल्यू तो होगी 0, ये तो आप जैसे एटॉमिक पढ़ते हो एस पी पी एफ जी एच आई जे, तो इनके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह होती है। तो अगर जिस तरह से नोटेशन एटॉमिक में यूज करते हो वही नोटेशन हम इसमें न्यूक्लियर में यूज कर रहे हैं, तो एस सेल के लिए एल की वैल्यू होगी 0। और अब हम बात कर रहे हैं सिंगल पार्टिकल सेल पर, सिंगल पार्टिकल
सेल मॉडल, जहां पे हम बात कर रहे हैं ऑड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो यहाँ पे ऑड न्यूट्रॉन या ऑड प्रोटॉन की बात हो रही है, यानी सिंगल प्रोटॉन की बात हो रही है, सिंगल न्यूट्रॉन की। तो सिंगल के लिए एस की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पे आप कर दोगे एस की वैल्यू हाफ, तो इससे जे की वैल्यू क्या जाएगी, केवल हाफ। इसलिए हम हमेशा एस के साथ हाफ यूज करते हैं हमेशा, क्योंकि इसमें जे की वैल्यू सिर्फ हाफ ही पॉसिबल है। इसी तरह से अगर आप पी की बात करोगे तो पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, और सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल के हिसाब से एस की वैल्यू हाफ, सिंगल की बात करोगे आप, ठीक है, तो उसके लिए जे की वैल्यू जाएगी 1 - हाफ टू 1 + हाफ। तो हमेशा पी के लिए आपकी वैल्यू 3/2 हाफ आती है। तो इसलिए हम यहाँ पे पी के लिए या तो पी 3/2 लिखते हैं या पी हाफ लिखते हैं, इनके अलावा कोई जे की वैल्यू नहीं लिखते हैं। एंड सिमिलरली फॉर डी एफ एटसेट्रा, ठीक है। सर स्लाइड नंबर 14 शो करना, 15 तो ये है, तो 13 अगर दोनों पेयर है प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हमने लिखा बाइंडिंग एनर्जी में प्लस के साथ आंसर आएगा प्लस। अगर दोनों ऑड है तो दोनों अनपेयर्ड है तो माइनस, अगर एक इवन एक पेयर एक अनपेयर्ड तो जीरो आएगा बीच का, ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ सर, ये जो किसी क्वेश्चन जो आप स्लाइड पे है सर, इसमें जैसे अगर जेड की वैल्यू को हमने फिल किया तो ये 20 तक हो गया, लेकिन जो एन जो न्यूट्रॉन है उसको 21 में केवल लिख दिया। अगर जैसे किसी ने पूछ दिया कि हाँ दोनों का अलग करना है, तो ये मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा नीचे ना वो लाइन। हाँ वो मैं इस शुरू से करना है। जो फर्स्ट जो सीक्वेंस में दोनों करने के लिए बोले थे, तो उसमें अगर जैसे उसमें वाली स्लाइड पे थोड़ा जाइए,